ये महिला ही है कि पति की हत्या हुई है 20 और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, उसी सिलसिले में देखिए इतना दिन बीत जाने के बाद सब क्या होगा। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अलग अलग फरियादी पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से जो शिकायतें हैं वो सीएम नीतीश कुमार के सामने बताई जा रही है। इसी कड़ी में आज एक महिला फरियादी भी सीएम नीतीश कुमार के दरबार में पहुंची, जहां पर अपने पति की हत्या को लेकर न्याय की मांग उस महिला की तरफ से की गई है और रोते बिलखते हुए उस महिला ने कहा है कि 2020 में उसके पति की हत्या कर दी गई और न्याय के लिए जब भी वो थाने में पहुंचती है तो थाने से जो अधिकारी है, जो पुलिस वाले हैं, वो डांट फटकार के उस महिला को थाने से बाहर निकाल देते हैं। और ये सुनते ही सीएम नीतीश कुमार इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तुरंत गृह विभाग को फोन लगाया और फोन पर जमकर सीएम नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ है जनता दरबार में। क्या हुआ, क्या के साथ दो चार लड़के थे, उन्होंने होटल में खाना ऑर्डर किया, उसमें अल्कोहल दे दिए। मेरे पति बस में सोए के सोए रह गए, उनकी लाश बस वाले ने जबकनपुर थाना में बताया तो जबकनपुर थाने वाले ने जाते, मैंने जबकनपुर थाना में केस की, अभी तक मेरी कोई न्याय नहीं मिल रही। 20 में घटना हुई है, सत्य घटना है। 14-13 नवम्बर को आ रहे थे, 14 नवम्बर 2020 हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं। एक्शन नहीं, मैं बार बार छोटे बच्चे को लेकर आती रही, पर थाने वाले मुझे कभी बोलते हैं कि इलेक्शन टूटी है, कभी कुछ बोलते हैं, मुझे डांट कर भगा देते। मैं इस लड़की पे दरवाजे भी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके पास न्याय के लिए आई। उनका मर्डर हो गया था। हाँ, मर्डर हो गया था, वो बस पे सोए के सोए पॉइजन में दे रखे थे। प्रमुख सचिव किरण क्रेड, मैं बार बार छोटे बच्चे को लेकर आती हूँ। ये महिला ही है कि पति की हत्या हुई है 20 में और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ये उसी सिलसिले में देखिए उसको तुरंत इतना दिन बीत जाने के बाद सब क्या होगा। घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, दौड़ते हैं। ये जो महिला है वो न्याय की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंची, इसने बकायदा ये बताया कि थाने के जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार आ गए, तुरंत उन्होंने गृह विभाग को फोन लगाया और ये भी बताया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जो है वो सजा दिलवाई जाए, नहीं तो सीएम नीतीश कुमार खुद इस मामले में एक्शन लेंगे। जिसके बाद गृह विभाग से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने महिला को भी न्याय को लेकर जो आश्वासन है वो उनकी तरफ से दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हर संभव मदद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।